नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त है दिन भर के बड़ी खबरों का। दुबई करने जा रहा है तीसरे विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन की मेजबानी, जिसमें भारत सहित 109 देशों से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हवन पूजा सेंगोल की स्थापना के साथ हुआ भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल में उपस्थित मेहमानों को संबोधित करते हुए सेंगोल का बताया महत्व। इस दौरान पीएम मोदी बोले, नया संसद नए भारत का आधार है और कहा, यहीं से लिखा जाएगा न्यू इंडिया का इतिहास। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 35 दिनों से बैठे पहलवानों ने आज संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर हंगामा करने की कोशिश की, तो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। साथ ही जंतर मंतर पर लगे पहलवानों के टेंट को भी उखाड़ दिया गया और उनके कूलर भी फेंके दिखाई दिए। नई संसद में सर्वधर्म प्रार्थना करने वाले धार्मिक नेताओं ने कहा कि नई संसद का उद्घाटन एक ऐतिहासिक क्षण था और यह विविधता में एकता को दर्शाता है। जैन पुजारी आचार्य लोकेश पुनी ने कहा कि हमने एक ऐतिहासिक क्षण देखा जब आज नई संसद में राजदंड के साथ धर्मदंड स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों को तरजीह देना अच्छी बात है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहलवानों पर की गई पुलिस की कार्रवाई को लेकर कहा कि भाजपा सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार महिला खिलाड़ियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, अगली खबर पर चलने से पहले मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे हमारे टीम का हौसला बढ़ता है और हम लगातार इसी तरह से आपके लिए देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर आते रहते हैं। कांग्रेस सहित 20 विपक्षी दलों के विरोध के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने किया ट्वीट, बोले, लोकतंत्र और संप्रभुता का प्रतीक है सेंगोल। मन की बात कार्यक्रम के 101वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर, जल संरक्षण समेत कई मुद्दे पर चर्चा की। साथ ही पीएम ने एनटीआर की 100वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि उन्होंने तेलुगु सिनेमा का ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का दिल जीता। पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद रहा, जहां इसकी तीव्रता 5.9 मापी गई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बड़ा हादसा हुआ, जहां शौचालय की टंकी में गिरकर पिता पुत्र समेत 4 लोगों की जान चली गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद सबको बाहर निकाला गया। आरजेडी के ट्वीट से मचा बवाल, ताबूत से की नए संसद की तुलना, तो भाजपा बोली, इससे अपमानजनक और कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज अस्पताल में भर्ती सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। इस दौरान केजरीवाल ने उन्हें गले लगाते हुए बहादुर व्यक्ति बताया। केजरीवाल ने जैन के साथ अपने मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की है। पंजाब में साइबर सिस्टम को किया जाएगा मजबूत, पुलिस और गूगल के बीच साइन होगा MOU, 71 करोड़ रुपए होंगे खर्च। हरियाणा के एक पूर्व DSP हनी ट्रैप में फंस गए हैं, जहां पहले उनसे 20,000 रुपए लिए गए और अब 20 लाख की डिमांड की गई है। अब इस मामले में हरियाणा पुलिस के पूर्व DSP नत्थू सिंह राठी ने शिकायत दर्ज करवाई है। उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार आजकल भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं, जहां आज उन्हें जागेश्वर धाम में देखा गया। इस दौरान वह माथे पर त्रिपुंड और भोले के जयकारे लगाते दिखे। पिछले दिनों वह केदारनाथ धाम भी पहुंचे थे। झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 12 लोगों की जान चली गई है, वहीं मरने वाले के परिजनों को सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है, जहां BJP और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी के नेतृत्व में तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव में जल सत्याग्रह शुरू किया गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि प्रधानमंत्री संसद के नेता हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले में कोई दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। शिमला में NPA को लेकर डॉक्टर करेंगे हड़ताल, कल से हर दिन 2 घंटे पेन डाउन स्ट्राइक का किया ऐलान। महबूबा मुफ्ती के बाद अलगाववादी नेता यासीन मलिक के समर्थन में आई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, NIA की याचिका पर जताया विरोध, कहा, ये मांग जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहद परेशान करने वाली है। मणिपुर मामले में एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ममता ने कहा कि मैं मणिपुर जाना चाहती हूं, लेकिन मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे सांसदों को असम जाने नहीं दिया जा रहा है, दिल्ली सरकार द्वारा मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। बस 6 महीने इंतजार कीजिए, फिर दिल्ली बदलेगी। जब दिल्ली बदलेगी तो हम लोगों को उनका हक देंगे। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल के पास लगी आग, सिलेंडर फटने से हुआ हादसा, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
अहमदाबाद में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा भारत चीन की ओर से मिल रही जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रभावी कदम उठाया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में यथास्थिति को एक तरफा बदलने का कोई भी प्रयास न हो सके। राजस्थान के बाड़मेर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का हुआ भंडाफोड़, 22.63 क्विंटल डोंडा पोस्ट हुआ बरामद, 3 गाड़ियां की गई सीज। जिंक हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइड नामक कोशिकाओं को सक्रिय करता है जो इम्यून सिस्टम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये कोशिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाने और कैंसर से लड़ने में भी मदद करती है। इसके लिए हमें अपने भोजन में पालक, मशरूम, दही, अंडे का सेवन करना चाहिए। IDBI बैंक ने एग्जीक्यूटिव के 1036 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार IDBI की आधिकारिक वेबसाइट idbibank.in के माध्यम से 7 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। आज की खबर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को भी दबा दें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।